दोस्तों आज मैं आपको एंटीवायरस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वायरस को मेरे पीसी में रन करके लाइव बताने वाला हूँ, वो हमारे पीसी को नुकसान कैसे करता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वायरस को लाइव रन करके और एंटीवायरस उसे कैसे डिलीट या रिमूव करता है उसके बारे में लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरे यूट्यूबर की तरह दोस्तों ये सिर्फ बोलने वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल वायरस वर्सेस एंटीवायरस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। हमारे पीसी में दोस्तों कई टाइप के वायरस आते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर, ट्रोजन, मालवेयर, स्पाईवेयर। ये सब वायरस हमारे कंप्यूटर की फाइल को कैसे नुकसान करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे करप्ट करते हैं, वो मैं अब आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं हमारे पीसी पे। अब दोस्तों हम आ गए हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वायरस करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसमें दोस्तों मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए वायरस है। देखते इस फोल्डर को ओपन किया और ये सब वायरस दोस्तों मैंने इंटरनेट से पकड़ पकड़ के यहाँ पे रखे हुए है, मीन्स इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे रखे हुए है। ये सब वायरस को हम वन बाय वन करके रन कराएंगे और देखेंगे कि ये हमारे पीसी को कंप्यूटर को कैसे नुकसान करते हैं। सबसे पहले ये एप बम करके ये वायरस है, इसे दोस्तों हम रन कराते है और देखते है हमारे पीसी को क्या नुकसान करता है। इस वायरस को जब हम रन कराते हैं तो ये वायरस दोस्तों नोटपैड, वर्डपैड, सीएमडी, कैलकुलेटर ये सब प्रोग्राम को लूप में रन कराता है और हमारे कंप्यूटर में और कुछ ओपन नहीं करने देता। ये हमारे पीसी को बहुत ज्यादा हैंग कर देता है। इस हैंग होने के कारण हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर पाते। तो चलो दोस्तों अब हम देखते हैं इस वायरस को रन कराते है। डबल क्लिक किया तो देखो दोस्तों ये वायरस रन हो गया है। अब देखो ये सब एरर आने लगी है। देखते देखो दोस्तों सब कुछ ओपन होने लगा है। देखो सीएमडी ओपन हो गया, ये सीएमडी ओपन हो गया, ये नोटपैड ओपन हो गया। मैंने कुछ ओपन नहीं किया तो भी ये ओपन हो गया। और क्या क्या ओपन हुआ है देखते, पेंट पेंट ओपन हो रहा है दोस्तों। ये देखो पेंट ओपन हो गया, बैकग्राउंड में ये रहा पेंट, मैंने ओपन नहीं किया तो भी ओपन हो गया दोस्तों। तो देखो दोस्तों अब हमारा पीसी हैंग होने लगा है। देखो ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गई है, कंट्रोल पैनल ओपन हो गई है, मैंने ओपन नहीं की तो भी ऑटोमेटिकली इस वायरस ने कंट्रोल पैनल को ओपन कर दिया है। वर्डपैड ओपन हो गया है, देखो दोस्तों ये बैकग्राउंड में ये वर्डपैड ओपन हो गया है, हमने ये भी ओपन नहीं किया तो भी ओपन हो गया है। देखो दोस्तों ऑटोमेटिकली सब ओपन हो रहा है, मैं कुछ भी ओपन नहीं करता तो भी ओपन हो रहा है दोस्तों। अब हम कुछ और ओपन करते देखते, स्टार्ट मेनू में जाके माय कंप्यूटर को ओपन करते, ओपन होता है या नहीं होता। देखो दोस्तों हमारा पीसी हैंग होने लगा है। स्टार्ट लोगो पर क्लिक किया, देखो दोस्तों स्टार्ट लोगो पर क्लिक करते तो भी अब आया, शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। बहुत स्लो हो गया है मेरा पीसी दोस्तों। अब आ गया दोस्तों हिट प्रोग्राम फोर्स शट डाउन, यस अब होगा शट डाउन, हो गया दोस्तों शट डाउन हो गया। अब दोस्तों हम फिर से आ गए हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे और ये जो वायरस वाला फोल्डर है इसे हम फिर से ओपन करते हैं। ओपन किया दोस्तों, ये जो एप बम करके वायरस है ये हमने रन कराया था और ये वायरस रन होने के कारण दोस्तों हमारे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा प्रोग्राम रन होने लगे थे, इसलिए हमारा पीसी हैंग हो गया था और हम दूसरे एक भी प्रोग्राम को ओपन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने हमारे पीसी को शट डाउन कर दिया था। तो ये दोस्तों ऐसा वायरस है हमारे पीसी को बहुत हैंग कर देता है। अब दोस्तों हम आते दूसरे वायरस पर, ये जो लास्ट वाला शट डाउन पीसी करके वायरस है इसे अब हम रन कराते हैं और देखते हैं हमारे पीसी में ये क्या करता है।
इसका जैसा नाम है दोस्तों, इसका नाम मैंने रखा हुआ है शटडाउन पीसी। इसका जैसा नाम है वैसा ही काम करता है ये दोस्तों, हमारे पीसी को शटडाउन कर देता है। अब हम इसे रन कराते हैं, डबल क्लिक किया तो देखो दोस्तों, डबल क्लिक करने विंडो विल शटडाउन लेस देन ए मिनट। इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर एक मिनट से कम में शटडाउन हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा कंप्यूटर एक मिनट से पहले शटडाउन हो जाता है या नहीं, ये वायरस ऐसे वर्क करता है या नहीं देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा पीसी शटडाउन होने लगा है, लॉगिन ऑफ का सिंबल आ गया है, अब शटडाउन का सिंबल आ गया है दोस्तों, तो हमारा पीसी शटडाउन होने लगा है। अब देखो दोस्तों, फिर से स्टार्ट किया है हमने कंप्यूटर को। अब दोस्तों हम फिर से आ गए हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, और यहाँ पे ये जो वायरस वाला फोल्डर है इसे हम फिर से ओपन करते हैं। ओपन किया हमने दोस्तों लास्ट टाइम, ये जो शटडाउन पीसी करके ये जो वायरस है इसे रन कराया था, इससे हमारा पीसी शटडाउन हो गया था, और अब ये मैंने फिर से पावर ऑन करके चालू किया है। अब दोस्तों तीसरा, ये जो हैंग पीसी करके ये जो वायरस है इसे अब हम रन कराते हैं और देखते हैं हमारे पीसी को ये कितना नुकसान पहुंचाता है। इसका दोस्तों मैंने जैसा नाम रखा है वैसा ही इसका काम है, इसका नाम मैंने रखा हैंग पीसी। तो ये दोस्तों हमारे पीसी को हैंग कर देता है। देखते हैं अब हम इस वायरस को रन कराते हैं और देखते हैं। अब डबल क्लिक किया तो देखो दोस्तों, सीएमडी ओपन हो गई है, और देखते हैं ये हमारे पीसी को हैंग कर देता है। देखो मेरा ये कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा हैंग होने लगा है। अब मैं ओपन करता हूँ, कुछ स्टार्ट लोगो पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया ओपन हुआ। अब देखो माय कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ, खुलता है या नहीं देखता हूँ। माय कंप्यूटर पर क्लिक किया तो देखो दोस्तों, ये माय कंप्यूटर को ओपन नहीं हो रहा, और यहाँ पे ये जो कर्सर है वो गोल गोल घूम रहा है। देखो दोस्तों, बहुत स्लो हो गया है हमारा कंप्यूटर। देखो कर्सर गोल गोल घूम रहा है, माय कंप्यूटर धीरे से ओपन हो रहा है। देखो दोस्तों, अब माय कंप्यूटर ओपन हुआ। अब दोस्तों ये जो वीडियो वाला फोल्डर है इसे अब हम ओपन करते, देखते ओपन होता है या नहीं। डबल क्लिक किया देखो, फिर से कर्सर गोल गोल घूमने लगा है, अभी तक नहीं हुआ ओपन। हमारा पीसी अब हैंग ही हो गया है दोस्तों, बहुत हैंग हो गया है। अब दोस्तों हमें शटडाउन ही करना पड़ेगा हमारे पीसी को, कुछ ओपन नहीं हो पा रहा है। मैं देखो दोस्तों, नॉट रिस्पोंडिंग लिख के आ गया है, ये देखो नॉट रिस्पोंडिंग लिख के आ गया है। अब दोस्तों मैं इस कंप्यूटर को शटडाउन करता हूँ, शटडाउन भी नहीं होता दोस्तों। स्टार्ट लोगो का सिंबल है वहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट लोगो भी नहीं आता। इतना पीसी हैंग हो गया है, ये स्टार्ट लोगो पे मैंने कितनी बार क्लिक किया तो भी स्टार्ट लोगो का सिंबल ही नहीं आता। अब मुझे इस पीसी को शटडाउन करने के लिए पावर ऑफ ही करना पड़ेगा। अब मैं इसे पावर ऑफ करता हूँ, पावर ऑफ किया तो देखो हमारा ये जो मशीन है पीसी अब पावर ऑफ हो गया। अब दोस्तों हम फिर से आ गए हमारे कंप्यूटर पे, और ये जो वायरस वाला फोल्डर है इसे हम फिर से ओपन करते हैं। ओपन किया दोस्तों, हमने लास्ट टाइम ये जो हैंग पीसी करके ये जो वायरस है इसे हमने रन कराया था, और ये वायरस रन होने के कारण हमारा पीसी हैंग हो गया था, और हम कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ओपन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने ना छूट के हमारे पीसी को पावर ऑफ करना पड़ा था। अब दोस्तों ये जो डिस्ट्रॉय विंडो करके ये जो वायरस है इसे अब हम जब रन कराते हैं तो हमारे विंडो की विंडो फाइलें, सिस्टम फाइलें होती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, मीन्स
सिस्टम फाइलें सारे की सारी डिस्ट्रॉय होने के कारण हमारा विंडो करप्ट हो जाता है, हमें फिर से उसे फॉर्मेट ही मारना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अभी मैं इस वायरस को रन नहीं करा था। ये जो रैंसमवेयर करके वायरस है उसे जब हम रन कराते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी फाइलें होती है, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइलों, वो सब इनक्रिप्ट हो जाती है। मीन्स के वो फाइल हमें दिखती तो है लेकिन इनक्रिप्टेड फाइल होती है, उसे हम ओपन नहीं कर पाते। तो इसका दोस्तों डिटेल में वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है रैंसमवेयर वायरस का, वो वीडियो को दोस्तों अब हम पूरा देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा WannaCry रैंसमवेयर वायरस, इसे दोस्तों मैंने बहुत मुश्किल से डाउनलोड किया है। तो दोस्तों ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आता कहाँ से? ये वायरस हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले पॉर्न वेबसाइट को ओपन करने से, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से और वायरस वाली पेन ड्राइव को यूज करने से हमारे कंप्यूटर में दोस्तों ये वायरस आता है। तो दोस्तों ये WannaCry वायरस है। अब मैं आपको ये वायरस को मेरे कंप्यूटर में रन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये मालूम पड़े कि ये वायरस कितना खतरनाक है, आपको ये अपने कंप्यूटर में हरगिज ना करें, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरी सारी इंपोर्टेड फाइल का बैकअप ले लिया है, जस्ट नॉलेज के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों मैं इस वायरस को मेरे कंप्यूटर में रन कराओ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे कंप्यूटर में क्या क्या है। तो देखो इस डेस्कटॉप पर लैपटॉप टिप्स, कंप्यूटर टिप्स, मोबाइल टिप्स करके कुछ वर्ड फाइल है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डी टाइम में देखते हैं, तो डी टाइम में लैपटॉप पार्ट्स, मोबाइल पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, ऐसी नाम की कुछ वर्ड फाइल है। यहाँ पे देखो टेस्ट फाइल 1, टेस्ट फाइल 2, टेस्ट फाइल 3, ये 3 एक्सेल फाइल है दोस्तों, और कुछ इमेज फाइल है। ये रही हमारी, देखो ये इमेज फाइल है दोस्तों, हमारी इमेज फाइल है, कुछ सैंपल इमेज है और एक वीडियो भी है। ये रहा वीडियो दोस्तों, ये रहा वीडियो। तो ये सब फाइलें हमारी डी टाइम में है और कुछ डेस्कटॉप पर फाइलें है। अब दोस्तों मैं इस वायरस को मेरे कंप्यूटर में रन कराता हूँ और देखता हूँ इस सब फाइलों का क्या होता है। तो देखो दोस्तों अब मैं इसे रन कराता हूँ, डबल क्लिक किया इस पर। तो देखो दोस्तों अब ये सब फाइलें कुछ आ गई है जो हम नहीं चाहते। ये सब फाइलें क्या है? ये देखो दोस्तों कुछ नई नई फाइलें बन रही है। ये वायरस हमारे कंप्यूटर में रन हो रहा है अभी थोड़ी देर के बाद इसका। तो देखो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड अब चेंज हो गया है, हमारे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो गया है दोस्तों। अभी तो ये रन हो रहा है और नई नई फाइलें बना रहा है। तो देखो दोस्तों अब हमारा ये बैकग्राउंड चेंज होके अब ये फिरौती मांगने वाला पॉपअप मेनू ओपन हो गया है दोस्तों। ये पॉपअप मेनू है जो फिरौती मांग रहा है कितने की, $300 की, सो बिटकॉइन हमें इस एड्रेस पर सेंड करने होंगे तभी ये हमको अनलॉक कोड देगा और अनलॉक कोड से हम ये सब फाइलों को अनलॉक कर पाएंगे दोस्तों। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं, क्लोज किया तो देखो दोस्तों फिर से ये खुल गया फिरौती मांगने वाला पेज। ये बता रहा है हमें 2 दिन 23 घंटे में हमें पैसे दे दो, अगर आपने नहीं दिए तो 6 दिन 23 घंटे में ये सब फाइलों को डिलीट या करप्ट कर देगा, डिलीट ही कर देगा दोस्तों ये वायरस। तो देखो दोस्तों अब हमारी वर्ड फाइल तो जो थी 3 वो यहाँ से गुम हो गई है, इनक्रिप्ट हो गई है दोस्तों। अब देखो अब हमारी डी टाइम में जो फाइलें थी उनका क्या हाल हुआ है वो अब हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों ये फिरौती मांगने वाला पेज बार बार खुल रहा है, ये पॉपअप मेनू बार बार खुल रहा है। अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डी टाइम में जो हमारी फाइलें थी ये एक्सेल फाइल है, टेस्ट फाइल 1, टेस्ट फाइल 2, टेस्ट फाइल 3 डॉट WannaCry एक्सटेंशन हो गया है इसका दोस्तों। अब देखो अब हम इस फाइलों को अब हम ओपन नहीं कर पाएंगे, ये सारी की सारी फाइल इनक्रिप्ट हो गई है। देखो फिरौती मांग रहा है, ये सारी की सारी फाइल इनक्रिप्ट हो गई है, इसका पीछे वाला एक्सटेंशन चेंज हो गया है। देखो दोस्तों टेस्ट फाइल 1.xl.WannaCry लिख कर आ गया, WNCRY लिख कर आ गया, यहाँ पे भी लिख कर आ गया, यहाँ पे भी लिख कर आ गया। JPG फाइलें सैंपल पिक्चर थे जो हमारे कंप्यूटर में, ये भी .vncry WannaCry लिख कर आ गया है दोस्तों। और ये देखो
ये खुल गया, सैंपल वीडियो था उसका क्या हाल हुआ है, ये भी दोस्तों इनक्रिप्ट हो गया है सैंपल वीडियो, इसे भी अब हम खोल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत खतरनाक वायरस है, आप इसे अपने कंप्यूटर में ऐसा कभी भी ना करें, हर चीज़ ना करें, और बहुत खतरनाक वायरस है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस WannaCry वायरस से आप बचकर कैसे रहें, इस वायरस से बचने के लिए कुछ तरीके है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों। ये वायरस से बचने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा सा एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा और इसे रेगुलरली अपडेट कराना होगा। अब दोस्तों ये सब वायरस को मैं एक अवस्थ फ्री एंटीवायरस से स्कैन करके बताने वाला हूँ कि ये फ्री एंटीवायरस ये सब वायरस को डिलीट कर पाता है या नहीं। लेकिन अभी दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए दोस्तों मैं अवस्थ फ्री एंटीवायरस से ये सब वायरस को मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये एंटीवायरस ये सब वायरस को स्कैन करके डिलीट या रिमूव कर पाता है या नहीं। तो बस दोस्तों मेरे आज के वीडियो में इतना है, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका 100% सही आंसर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे ये वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरी ये चैनल कुणाल कंप्यूटर को आप सब्सक्राइब करो।